नमस्कार दोस्तों, अब हम जो सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं वो है सेक्शन 7 ऑफ सीपीसी। सेक्शन 7 सीपीसी का क्या कहता है? प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट, यानी प्रांतीय लघु वाद न्यायालय। ओके, तो अब पहली बात है कि यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है वो वर्ड है प्रोविंशियल। प्रोविंशियल का अर्थ क्या है? देखिए, जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तो जितने भी हमारे प्रांत हैं, जिन्हें अब हम स्टेट्स कहते हैं कि दीज मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया, वो प्रोविंस के नाम से जाने जाते थे, तो वो प्रोविंशियल एरियाज कहलाते थे। तो यहाँ पे प्रोविंशियल एरियाज में उस वक्त जो छोटे मामले थे, ओके, बहुत ही कम रुपयों के या बहुत पिक्यूनरी लिमिट, जिनकी बहुत लिमिटेड थी, उन मामलों के लिए एक पर्टिकुलर लिमिट उस समय अलग से डिसाइड की गई थी, उनके लिए छोटे कोर्ट बनाए गए थे कि भाई छोटे मोटे मामलों के लिए आपको पर्टिकुलर दूसरी कोर्ट तक जाने की जरूरत नहीं है, इन्हीं में वो मामला निपटा दिया जाएगा। कि सपोज अगर आज की तारीख में कोई मामला 2000 रुपए से कम का है और सिविल नेचर का है, तो क्या होगा कि आपको सिविल कोर्ट के जो सारे जो लंबी प्रोसेस है उसे करने की जरूरत नहीं, आप सीधे लघु वाद न्यायालय में, स्मॉल कॉज कोर्ट में जाइए और अपने मामले के लिए वहां पे आपकी सुनवाई होगी। तो यहाँ पे पहली चीज, प्रोविंशियल क्या है? ये प्रांत है। ओके, तो प्रोविंशियल एरियाज में, प्रांतों में, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय भारत में 17 प्रोविंशियल एरियाज थे। ओके, तो प्रोविंशियल एरियाज में जो स्मॉल कोर्ट एस्टेब्लिश किए गए हैं उनके बारे में बात करता है। और अब यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं कि क्या है कि इन मामलों में उसके लिए जो प्रोविंशियल स्मॉल कोर्ट कोड एक्ट था 1887 का, ठीक है, उसमें प्रोविजन क्या था, ये जो जो बातें लिखी गई है जो मैं वर्ण, इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सीबीसी के जो प्रोविजन है जिनकी बात करें कि अगर कोई ऐसा सूट है, ऐसा कोई मामला है, कोई बात है, सूट एक्सेप्टेड, मतलब जो अपवादों में आता है फ्रॉम दी कॉग्निजेंस ऑफ अ स्मॉल कॉज कोर्ट, तो क्या जो स्मॉल कॉज कोर्ट में जिनको, जिनका कॉग्निजेंस या संज्ञान नहीं लिया जा सकता, उन मामलों में ये नहीं आएगा। दूसरा, एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, इन मामलों में अगर ऐसा कोई मामला है जो किसमें आता है, अपवाद में, क्योंकि ये मामला स्मॉल कॉज कोर्ट में नहीं जाएगा। ओके, दूसरी बात क्या कही गई है कि अगर ऐसा कोई मामला है कि इन ऐसा कोई जो एक्सेप्शन में आने वाले मामले हैं उसमें जो डिक्री है, जो निर्णय दिया गया है, उस डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए मामला नहीं सुना जाएगा। देन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री इन सच सूट, ओके, तो एग्जीक्यूशन एंड डिक्री इन सच सूट जिसमें बहुत ही स्मॉल कोज कोर्ट वाले मामले आ रहे हैं। तो यानी अगर सीपीसी में ऐसा कोई प्रोविजन है जिसमें क्लियरली लिखा गया है कि भाई ये वाला मामला स्मॉल कोज कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, इसमें जो डिक्री है उस पर एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, और डिक्री के साथ साथ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री है उस पर भी एप्लीकेबल नहीं है, तो वह मामला प्रोविंशियल स्मॉल कोज कोर्ट का मामला नहीं होगा, उस पर सीबीसी एप्लीकेबल नहीं होगी, पहली चीज। दूसरी बात, इसके अलावा ये कुछ सेक्शन लिखे गए हैं, सेक्शन 9, सेक्शन 91, 92, सेक्शन 94 एंड सेक्शन 95, ओके, इनमें कौन कौन से मामले आ गए हैं? इनमें मामले आ गए हैं कि अगर कोई अटैचमेंट है किसका, इमूवेबल प्रॉपर्टी का, जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच किया जा रहा है, ठीक है, जिसको कुर्क किया जा रहा है, जिसका कब्जा लिया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का अटैचमेंट या फॉरफीचर से रिलेटेड अगर कोई मैटर है, इंजंक्शन दिया जा रहा है, इससे ऑर्डर की बात करें, निषेधाज्ञा की बात कर रहे हैं यहां पर हम, अगर कोई रिसीवर अपॉइंट करना है, ओके, जहां और ऐसा कोई मामला है जिसमें कोई इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर पास किया गया है, या सेक्शन 94 का जो ई पार्ट है उससे रिलेटेड मैटर है, इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर है 94 ई में, या 96 से लेकर 112 तक का कोई मामला है, या सेक्शन 115 का कोई मामला है, उन मामलों पर स्मॉल कोर्ट कोर्ट अधिकारिता नहीं रखेगा। तो यहाँ पे टोटली जो बात की गई है सेक्शन 7 में वो क्लियरली केवल यही कही गई है कि कौन से ऐसे मामले हैं जिसमें लघु वाद न्यायालयों की अधिकारिता नहीं होगी। तो आप इस बात को इसी तरीके से समझिएगा कि लघु वाद न्यायालय में वो मामले आते हैं जो बहुत ही छोटे मामले हैं, जिसमें जिसमें धन संबंधी अधिकारिता या जो वैल्यू है प्रॉपर्टी की बहुत ही कम है, मामूली से वैल्यू है, तो ऐसे मामले कहां पर अप्लाई नहीं होंगे, कि जो अपवादों में आते हैं उस पर सीबीसी एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है ना। एग्जीक्यूशन में अगर अगर उस मामले का एग्जीक्यूट करना है
ठीक है ना, या एग्जीक्यूशन के लिए जो पिटीशन फाइल की जा रही है, कोर्ट में मैटर चल रहा है, उस पर ही एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसके अलावा कुछ धाराएं हैं, सेक्शन 9 पर एप्लीकेबल नहीं है, 91-92 पर एप्लीकेबल नहीं है, 94-95 पर एप्लीकेबल नहीं है, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी के अटैचमेंट पर, और अटैचमेंट के अलावा अगर कोई इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर दिया गया है 94E में। इसके अलावा अगर कोई इंजंक्शन का मैटर है, ठीक है ना, उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। और जिन मामलों में रिसीवर अपॉइंट किया जाता है वो मामले लघुवाद न्यायालय या स्मॉल कॉज कोर्ट के द्वारा नहीं सुने जाएंगे। तो प्रोविंशियल एरियाज में पहले 1887 के अधिकृत का जो एक एक्ट पास किया गया था उसके अधीन इन कोर्ट्स की स्थापना की गई थी ताकि छोटे मामले निपटाए जा सके। लेकिन CPC जो अब स्वतंत्र भारत में जो एप्लीकेबल है उसमें ये परिवर्तन किया गया है। थैंक यू।